गाइस आप लोग देख रहे हैं मैं थकूं आप लोगों के लेकर आ चुका है राजस्थान सरकार का न्यू ईयर का आप सभी के लिए बहुत बड़ा तोहफा आया है। इस तोहफे की बात आज हम करने वाले हैं। आपके लिए रीड का रण तैयार हो चुका है। अब रीड के रण में आप लोगों को जान लगा देनी है। आने वाले 4 महीने में आप लोगों को इतनी मेहनत करनी है कि आप लोग रीड के रण को जीत जाओ। इसी बात के साथ में आप लोगों को रीड की विज्ञप्ति जो आ चुकी है, रीड की विज्ञप्ति के बारे में आप लोगों को सारी डिटेल बता देता हूँ कि इसमें क्या चेंज हुए 2017 के मुकाबले, क्या सिलेबस रहने वाला, एग्जाम डेट क्या रहने वाली, ये सारी डिटेल मैं आप लोगों को बताने वाला। तो वीडियो के साथ जुड़े और वीडियो को अंत तक देखें। पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप रेगुलर विजिटर हैं तो आप लोगों का धन्यवाद। अगर आपके काम की नहीं है वैकेंसी तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दें कि वो अगर जिसके लिए यूजफुल है वो इसको देख पाए। तो आइए बात कर लेते हैं रीट के लिए न्यूनतम। सबसे पहली बात करते हैं न्यूनतम प्राप्तांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने थे, कितने मार्क्स आपको रीट पे पहले लाते थे तो उत्तीर्ण होते थे। पहले जो होता था वो 60-60 होता था। पहले वाली बात ही नहीं करेंगे हम लोग, 2021 में क्या होने वाला इसकी बात करेंगे। जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए क्या रखा है, 60% रखा है मिनिमम पासिंग मार्क्स। अनुसूचित एसटी के लिए 55% और टीएसपी में एसटी के लिए 36% पासिंग मार्क्स मिनिमम रीट में रखे गए हैं। इसके अलावा ओबीसी एससी एमबीसी इन सभी में 55% आप लोगों के मिनिमम पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। विधवा परित्यक्त 50%, दिव्यांग के 40%, शहरीय जाति के 36% आप लोगों के पासिंग मार्क्स रीट में रखे गए हैं। तो इस तरह से पासिंग मार्क्स रीट 2021 में। आगे बढ़े उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं परीक्षा द सक्सेस ऐप को। आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप की हेल्प से आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाती है। मैथोकॉम ने परीक्षा द सक्सेस ऐप के अधिकारियों से बात की और आप सभी व्यूअर्स के लिए 50% ऑफ पर वो टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन में कोड दे रखा है वो कोड अप्लाई करना, उस कोड को अप्लाई करते ही वो टेस्ट सीरीज आप लोगों को, अगर 280 की आप लोगों के लिए पड़ रही है तो 140 की आप लोगों को मिल जाएगी। साथ ही इस ऐप पर आप लोगों को डेली न्यूज मिल जाती है, जॉब अलर्ट भी अवेलेबल हो जाती है, तो उसकी हेल्प से भी आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प होती रहती है। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए। अब चलते हैं हम वीडियो में आगे की तरफ। रीट लेवल 2 में अगर आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है तो उसके लिए एक नया नियम आया है। इस नियम के तहत कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर या बीएड स्नातकोत्तर योग्यताधारी को शामिल होने का मौका दिया गया है। मतलब यह है कि आप लोगों के अगर बीएड अगर स्नातक में, बैचलर में या फिर या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी में भी अगर 50% है तो आप क्या कर सकते हैं, रीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है इनको 5% की छूट भी दी गई है। मतलब उन लोगों के अगर 45% है तो वो भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बड़ा चेंज आया है, कॉमर्स के विद्यार्थी जो अभी तक रीट से वंचित रहते थे उन लोगों को लेवल 2 में सामाजिक अध्ययन लेवल में शामिल कर लिया गया है। तो आप लोग कॉमर्स के जितने विद्यार्थी वो भी इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। पहले क्या होता था, रीट में जो रिजल्ट आता था उस 70% रीट का और 30% आपके एकेडमिक करियर का रहता था, एकेडमिक वेटेज रहता था। अब वर्तमान में 90-20 का रेशियो हो गया, मतलब 90% आपके रीट के मार्क्स का रहेगा और 10% आपका जो एकेडमिक लेवल में परसेंटेज आया। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी, आप रीट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिए। एनसीटी का सिलेबस इसमें शामिल किया गया है। सिलेबस कुछ ही दिनों में जारी कर दिया जाएगा वेबसाइट पर, और इसमें जो राजस्थानी भूगोल, इतिहास, कला और राजस्थान से रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, जिससे आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। डीएलएड और बीएलएड लेवल 1 में बीएड को शामिल नहीं किया गया है। लेवल 1 में केवल डीएलएड और बीएड के ही, बीएलएड की ही अभ्यर्थी एग्जाम दे पाएंगे। एग्जामिनेशन के लिए जो फीस रहने वाली है वो एक परीक्षा है तो आप लोगों को 550 रुपीज़ है, और दोनों के लिए लेवल 1 लेवल 2 अगर दोनों दे रहा है तो 750 रुपीज़ है। रीट का एग्जामिनेशन 25 अप्रैल को संभावित है और रीट के लिए आवेदन भरने की तिथि 11/1 से 8/2 तक रहने वाली है। इसके अलावा वेबसाइट पर एडमिट कार्ड आपके 14/4 को आ जाएगा। 25 अप्रैल को एग्जामिनेशन है। लेवल 2 का एग्जामिनेशन सवेरे रखा गया है, लेवल 1 का एग्जामिनेशन 2:30 से 5 बजे तक रखा गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए रीट की थी, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन और विज्ञप्ति आ गई है। सिलेबस भी आ जाएगा, आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, बहुत अच्छे से पढ़ते रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।